जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद इकबाल सम्मो है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ और करंटली पिछले 3 साल से मैं अमेज़ोन पे फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दे रहा हूँ, साथ में गुड्स का बिज़नेस भी कर रहा हूँ। और बैक इन 2019 जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बेसिकली एक रिस्क फैक्टर था बहुत बड़ा, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग को लोग फ्रॉड समझते थे, लेकिन मैंने उस रिस्क को जो है वो वेलकम किया और मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। तो 2019 से लेके अभी तक की जो मेरी जर्नी है इस फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स कैरियर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बूस्ट मुझे मिला है, बहुत ज़बरदस्त और फास्ट ग्रोथ मेरी हुई है। तो स्टार्ट में जब 2020 में जब मुझे लगा कि मैं अब स्टेबल अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद मुझे मैंने अपनी फैमिली को एम्पावर किया, फैमिली के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को एम्पावर किया, और फ्रेंड्स के बाद फिर मैं अपने सिटी हैदराबाद के अंदर जो है मैंने अपना इंस्टीट्यूट वहाँ पे खोला है बेसिकली अमेज़ोनिक्स के नाम से। वहाँ पे मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, जिसमें यतीम बंदे जो हैं, बच्चे हैं, उनको मैं फ्री में सिखाता हूँ, जो मज़दूर लड़के हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनको मैं 50% डिस्काउंट पे सिखाता हूँ, हाउस वाइफ्स हैं उनको मैं 50% डिस्काउंट पे सिखाता हूँ। तो अभी बेसिकली मेरी एक कैंपेन चल रही है पूरी सिंध में, लेट्स मेक डिजिटल सिंध के नाम से लाइन अप मेरे मीटअप्स हैं पूरी सिंध में, जो एक बार पहले मैं 1 साल पहले कर चुका हूँ, अभी मैं दोबारा हर सिटी में जा रहा हूँ। आज मेरा बेसिकली शाम को 7 बजे भी कराची में मीटअप है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मीरपुर खास में है। इसी तरह से हर हफ्ते में 2 सिटीज़ में सिंध के घूमूंगा और वहाँ पे जाके लोगों को फ्री सेमिनार्स और सेशंस दूंगा कि आप किस तरह से ट्रेडिशनल जॉब कल्चर को छोड़ के और एक और ऑप्शन आपके पास आ गया, आप इसको चूज़ करें और इस कैरियर को कि जब आप चूज़ करेंगे तो आप किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह से अमेज़ोन पे बिज़नेस कर सकते हैं और किस तरह से अमेज़ोन की फ्रीलांसिंग की सर्विसेज आप ग्लोबल जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे आप उनको देके और अर्निंग कर सकते हैं। अमेज़ोन बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, B2C जिसको हम बिज़नेस टू कस्टमर बोलते हैं। और क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट है, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, उतनी ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव 5 से 6 लाख एक्टिव फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मार्केट में बहुत बड़ा गैप मौजूद है। और क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, 5 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर की मार्केट है US की सिर्फ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से कराची हमारा पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, लोग जब भी माइग्रेशन करते हैं तो उनका मेन रीज़न कराची आने का सिर्फ होता है वो इनकम के लिए और जॉब के लिए, इस हवाले से आते हैं। उसी तरह से दुनिया की अगर रिटेल मार्केट का जब हब आप जिसको बोलें तो अमेज़ोन है। तो क्योंकि वो बड़ी मार्केट है तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपना हिस्सा भी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम कोई भी सॉफ्ट स्किल बच्चों को सिखाते हैं अमेज़ोन से के हवाले से, कि अमेज़ोन पे जो बिज़नेस ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली उनके पास टाइम नहीं होता या वो ओवर एजड हो चुके होते हैं, अब वो खुद से वो चीज़ें नहीं कर सकते या वो उनको आती नहीं है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आपके पास आते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं। हम तो वो कहते हैं कि अब ये मेरा पैसा आप लें और आप मुझे मेरे पैसे से अमेज़ोन पे मेरी शॉप खोल के मुझे मेरा बिज़नेस खड़ा करके दें। तो हम फ्रीलांसर्स का काम ये होता है कि उनको USA में USA की मार्केट की रिसर्च करके हम उनको ये सिखाएं कि आप उनको ये उनको प्रोडक्ट ढूंढ के देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट अगर बेचेंगे तो ये अच्छी बिकेगी। फिर दूसरा फ्रीलांसर आता है जो उनको सोर्सिंग करके देता है कि भाई चाइना में ये मैन्युफैक्चरर या ये सप्लायर जो है वो आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देगा। तीसरा फ्रीलांसर जो है जब वो प्रोडक्ट बन जाती है तो वो उसको फ्राइड फॉरवर्ड करता है USA की तरफ। चौथा फ्रीलांसर जो है वो वही प्रोडक्ट उसकी फोटोग्राफी करता है। पांचवा फ्रीलांसर उसकी लिस्टिंग करता है अमेज़ोन पे। छठा फ्रीलांसर फिर उसकी मार्केटिंग करता है और फिर सातवां फ्रीलांसर उस अकाउंट की मैनेजमेंट करता है और बाकी सारी बुककीपिंग की चीज़ें रखता है। तो इस तरह से एक अमेज़ोन सेलर को 12 से 13 सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर वो सारी की सारी अमेज़ोन की फ्रीलांसर बन जाए तो भी जो मार्केट डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। 2 महीने में बंदा सीख सकता है कोई भी एक सॉफ्ट स्किल, आप वो सॉफ्ट स्किल सीखें। फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, लिंक्डइन, इन पे आप किस तरह से क्लाइंट्स ढूंढ के अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं ये आर्ट भी आप सीखें। उसके बाद 3 महीने का ये टोटल आपको प्रोसेस लगेगा, 3 महीने आप देखें। अगर आपका इसमें लक है, आपकी रोज़ी इधर लिखी हुई है तो डेफिनेटली यू विल रॉक। जिस तरह से अभी करंटली मैंने तकरीबन पिछले 2 सालों में 300 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 60% स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, और जिसमें से मेरे पास जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं अभी मेरे पास मेरे साथ भी आए हुए हैं, वो फर्स्ट बैच के मेरे जो दो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली मैं उनको बोलता हूँ कि वो मेरे हीरो हैं, क्योंकि एक अली रज़ा चौधरी है, एक साहिर गबोल। अली रज़ा चौधरी जो है वो मेरे पास सेप्टेम्बर 2020 में आया था, और सेप्टेम्बर 2020 पहले मुझसे सीखा, और उसके बाद अब वो मेरा टीम मेंबर ही है, और उसकी मंथली इनकम जो है वो 500,000 PKR अब हो चुकी है। तो आप मुझसे ना सीखें, आप किसी पेड कोर्स में ना जाएं, लेकिन देर आर मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल प्लेटफॉर्म हु आर प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग्स ऑफ दी सॉफ्ट स्किल्स। तो आप वो सॉफ्ट स्किल एक सीखें और उसको बेचने का आर्ट भी सीखें, और उसके बाद आप अपना लक ज़रा आजमाएँ, एक बार आप करके देखें और आप अच्छा कमा सकते हैं। जी।